सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सभी लोग ठीक हो गए। एंड आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैं खैर हर टाइम लेट हो जाता हूँ, बट आज है 16th जुलाई एंड आज मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है। मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहा हूँ एंड वो जगह मैं सस्पेंस पे रखूँगा अभी। एंड ये है कि ये वीडियो मैं पार्ट्स में बनाऊँगा एंड ये फॉर श्योर वीडियो आएगी, क्योंकि मेरी जो मुंबई वाली थी उसका ही मैंने एक ही पार्ट डाला, उसके बाद नहीं डाल पाया क्योंकि जो मेरा पुराना फ़ोन था वो पूरा ख़राब हो गया था। अभी मैंने नया फ़ोन लिया जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, वो है OnePlus 11R। एंड आप बताना वीडियो क्वालिटी कैसे आ रही है, वो तो आप सारी वीडियो में देख ही लेंगे। एंड अभी बस टाइम हो रहा है 6 बजे कुछ एंड मेरी फ़्लाइट है 12:30 बजे की थी, 12:05 की, बट दिल्ली में बारिश है तो उस वजह से 2 घंटे लेट हो गई है। एंड अब मेरी फ़्लाइट है 2:00 बजे, अभी तक तो यही है, बाकी पता नहीं कि आगे भी टाइम स्विचिंग बाकी क्या है। बस ये नीचे कैब आके खड़ी है, मैं रेडी बैठा हूँ, ये शर्ट मैंने पहन ली है, टी शर्ट एंड बस, और नीचे कार्गो पैंट्स, और चलते हैं अभी देखते हैं। बाकी मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा जहाँ पे वीडियो में रिकॉर्ड कर सकता हूँ, जैसे फ़्लाइट में कोई कोई एरिया है जहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो मैं उसको चेक करके मैं आपको बाद में फिर कंटिन्यू करता हूँ। मिलते आपको। Finally reached airport. ये अपने सारे लगेज, मेरा इधर, ये सारा कैब का है, उधर की तरफ जो है वो सारी प्राइवेट कार्स का है। अभी बस एंट्री करेंगे, वेट कर रहे हैं, मेरी बहन आ रही है, पार्किंग में गाड़ी लगाई थी, तो अब बस अंदर जाते हैं, एंट्री लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पर टैग लगा लिया, टिकट ले ली, ये बस देख रहे हैं कि लाउंज का एक्सेस कहाँ पे है, वहाँ पे करेंगे। भाई बहुत बड़ी लाइन थी, फिर ऐसा लगने लगा कि यार सारे वही जा रहे हैं क्या, और मोस्टली पीपल यहाँ पे थे कि कनाडा और वियतनाम ही जाएंगे। और तो ये अभी बस देखते हैं लाउंज का एक्सेस कहाँ पे है, फिर वहाँ पे बैठ के मैं आपको दिखाता हूँ सारा टर्मिनल कैसा है। उनका लाउंज एरिया इधर, ये खाने वाने का सब मैंने ऑर्डर करा है KFC से एंड मैंने खाना तो ले लिया, बट मैं जिसके साथ आया था ना मेरे को वही नहीं मिल रहा, अभी मैं वही देख रहा हूँ कहाँ है। तो मैंने अपने लिए लिया बिरयानी एंड दिस बर्गर, बट ये है कि पता नहीं इसका रीज़न क्या है डिले होने का, बट पहले 12 बजे थी, अभी 2 बजे हो गई है, मे बी और भी डिले हो, बट ये कि भाई पहुंचा दे बढ़िया अपना जाके। सो खाना वाना सब खा लिया है, अभी बस यहाँ पे थोड़ा नीचे घूम के देख रहे हैं कैसा है, एंड बहुत बड़ा है वैसे अंदर से देखा है तो, मैं तो पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ इंटरनेशनल, तो पहली बार देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है देखने में, मेरे पीछे भी देखोगे तो सारी स्टोर्स हैं। अभी देख रहे हैं सारा घूम रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिल्ली ड्यूटी फ्री है एंड ये सारी मार्केट्स यहाँ पे हैं। ऊपर तो मैंने खाना खा लिया, अब यहाँ पे देखने आऊँ क्या क्या है। मैं देखो पतंजलि है भाई, इंडियन ब्रांड, क्या बात है क्या बात है। गाइस अभी हम, मतलब मैंने तो खा लिया, अभी हमारा एक दोस्त है उसे खाना था, तो बट आप, मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे आगे आप व्यू देखना, ये देखो मैं यहाँ बैठा हूँ और व्यू देखो,
Please keep your boarding card and open passport ready for inspection. On behalf. बस अब तो फ्लाइट में बैठ के सोना ही है और कुछ प्लान नहीं है। जाएंगे सोएंगे फिर आपको सुबह कंटिन्यू करते हैं। फाइनली आफ्टर 5 घंटे की फ़्लाइट थी और हमारी फ़्लाइट थी 2:30 की एंड वो बैठते बैठते 3:20 पे फ्लाइट टेक ऑफ करी थी। देन अभी बस अभी बज रहे हैं टाइम 10:20 एंड अभी हम वियतनाम पहुँचे हैं। अभी बस अपना मैंने तो ले लिया बट अंदर मेरी बहन और वो सारे हैं तो बस उनकी वेट कर रहा हूँ। बट ये है कि बड़ा हेक्टिक था वो, तो बाकी मैं आपको होटल रूम पहुँच के बताऊँगा कैसा था मेरा एक्सपीरियंस। पूरी बैटरी ख़त्म हो रखी है मेरे अंदर की, तो अभी पहुँचे होटल फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली रीच्ड वियतनाम और अभी हमने कैब ली। सबसे बेस्ट तो होता है जो लेफ्ट हैंड ड्राइव पे था। चलाओ। Approximately 10 hours later. So, अभी हम सारे निकले हैं बाहर घूमने और मैं आपको ये देखो जी, ये वाली गाड़ी देखो। So, ये सारी स्ट्रीट है, ये देखो। तो मेरे को डर है मेरे वाइट शूज़ सारे ख़राब हो जाएंगे क्योंकि मैं नए दिल्ली से ख़रीद के लाते हैं। So what you see is the right brick. They were once red, like red brick in color. Now they have turned pink. It was built from 1863 till 1885. And these two structures, what you see, towers, they are 60 meters in height. And they have a brass bell inside it. As of now, it's under renovation. And that's the Mother Mary. So why the French people built this? So to prove their economical, political power. And to show their dominance in France. Because Vietnam was a colony of France long back. That's right, on your left is the Saigon Post Office. Again, RPC marble inspired from the Renaissance European architecture and also the hint of Venetian architecture. Bright yellow in color, so mixed by inspired from France. Same like the Puducherry in India. Their house is painted in yellow walls, right? So yeah, you can take photos here, you can go inside. Inside, in the central of the central end,
will find the photo of the Ho Chi Minh, who is the father of Vietnam. You can do the postcard thing because if you go to the exhibit, you get the photos and go inside their souvenir shop. If you want to buy something, make sure you bargain. So, ये वियतनाम का पोस्ट ऑफिस है एंड ये स्टैचू के बारे में आपने देख ही लिया. ये बिल्डिंग है, ये सब वीडियो में बताया वो आप देख लेना. अभी देखते हैं इसके अंदर क्या है. एक्चुअली यहाँ पे बारिश हो रही है तो मैं सिलाई की बाहर का एरिया है इस पोस्ट ऑफिस का, ये देखो. एंड यहाँ से एंट्री है तो एंट्री करके देखते हैं एक बार. सिलाई की ज्वेलरी वगैरह है यहाँ पे. हाँ टोपी अच्छी अच्छी है, उस दिन पहनेंगे जब हम वहाँ बोटिंग पे जाएंगे. हाँ कितने की है? 130. चलो तू बता दे. इतना मैच नहीं हो पाएगा. सो लेकिन बहुत कुछ है यहाँ पे. डायरीज हैं छोटी छोटी, मैग्नेट्स, ये है कैप्स हैं. ये देखो बहुत कुछ है, मतलब समझ नहीं आ रहा कहाँ ही दिखाऊं. ये देखो ऐसे बहुत, मतलब मार्केट पूरी बंद रखी है इस पोस्ट ऑफिस के अंदर. बहुत सी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो. ये देखो छोटे छोटे कीरिंग टाइप, वेरी क्यूट. एक मैं आपको दिखाता हूँ कितने का ये. 60,000 का है ये. मतलब आप इसको कन्वर्ट कर लेना वो आपको दिख जाएगा फिर. एंड ये कुछ अभी हमने इस तरफ का देखा था, अभी इधर का देखते हैं कि इस साइड क्या है. मतलब सेम है लाइक ज्वेलरी और ये सब चीज़ें. ये देखो गाइज ये बिल्डिंग देखो. भाई खत्म नहीं होगी, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यार यहाँ पे. ये देखो इधर देखो, वो देखो. एंड स्ट्रीट की वाइब अलग है. ये देखो बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है. वियतनाम का मैंने पहला डॉगी देखा अभी यहाँ पे, वरना देखी नहीं. अरे ये तो दो हैं. सो मेरे पैर में लग गई थी और क्योंकि नए जूतों की वजह से लग रहा था. अभी चले हैं सारे पार्टी करने. देखो जी गैंग. सो नाइट का कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ. ऐसा है ये रहा अपना होटल और बस रोड क्रॉस करके ये रहा चीयर्स. सो अभी यहाँ पे हो रहे हैं 9, मतलब 10 अराउंड.
एंड अभी हम आ गए अपने होटल के बाहर और अब जाएंगे नाइट लाइफ यहाँ पे एक्सप्लोर करने। यहाँ पे एक है बहुत लाइक हैपनिंग सी स्ट्रीट, वहाँ जाएंगे। बाकी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा है वहाँ पे पार्टी एंड ऑल का सीन। एंड अभी बस प्री बूस्ट के लिए यहाँ पे बाकी लोगों को कहते हैं, मैं तो पीता नहीं तो मैं कुछ ले नहीं रहा। बाकी वहाँ पहुँच के मैं आपको फिर दिखाता हूँ एक बार क्या सीन है, क्या है सब कुछ। सो जो हमें स्ट्रीट आना था वो ये है, चलते हैं अंदर एक बार। भाई बढ़िया जगह ही, मतलब बहुत सारे हैं यहाँ पे। भाई इसकी ना